बीजेपी आ रही है, वोट देते बीजेपी ने, नहर के बीच में खड़े होकर बात लहर के बीच में लहर की बात होगी। अच्छा बीजेपी, अरे सिंह चौटाला तो वोट कटवा है, उन्हें तो वोट काटनी है, इसकी काटा का वैसे इसकी काटे आम आदमी पार्टी चलेगी, वो तो वोट कटवा है, बंदा है नहीं बीजेपी से, तो हमारा मन खट्टा कल तक तो इस नवीन जिंदल को बीजेपी वाले का वैसे चोर है, खुद नरेंद्र मोदी का ही करे। और बहन और भाइयों देखते रहना, मैं इसको जेल कराऊंगा। आज उसी नवीन जिंदल ने बीजेपी का पटका बांध दिया। बहुत बढ़िया चल रहा है कैथल में, तो सारी हवा ही बीजेपी की है। बीजेपी ने कोई वोट नहीं है, मतलब की बार केजरीवाल ना बीजेपी ने वोट ना बीजेपी ने सपोर्ट है। जिनने तो डरता उठा, पीढ़ी से डरता उठा, तो नहीं हो क्या उठा था। बहुत खुश हूँ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे चाय का काम है, वो भी चाय वाले थे, हम भी चाय वाले हैं, चाय वाला का साथ देगा। मैं तो नवीन जिंदल को वोट या बीजेपी को वोट देता। लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र पूरा एक भी न रह गया, एक भी न रह गया, जो तीन पार्टियां अपने दावी ठोक रही है, बीजेपी कांग्रेस और आम पार्टियां गठबंधन और साथ में नैलो जानेंगे पूरी कैथल की लोअर मार्केट में, अपने सर्वे दिखावेंगे कौन सी पार्टी का विजय कर रही है और अपने अपने लोग के सुझाव दे रहे हैं। आज राम राम, नाम बता दो अपना। नाम है सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग, अच्छा गर्ग जी बात करें तो लोकसभा चुनाव आ गए, तीन पार्टी मैदान में, बीजेपी है, कांग्रेस और आम पार्टी गठबंधन में, साथ में नैलो भी है, कुर्सी ने मजबूत ले रहे हो। मजबूत की तो बात यह है, वोट तो कोई था देवो। अच्छा जी, अरे सिंह चौटाला तो वोट कटवा है। अच्छा जी, उन्हें तो वोट काटनी है, इसकी काटा का वैसे वो इसकी काटे हुआ आम आदमी पार्टी चलेगी। अच्छा जी, वो तो वोट कटवा है, बंदा है नहीं, डाटेगा मैं बिगजा पाई बिगजा बाना बिगजा कोटा बिगजा सारो न्यू लग रहेगा, मुझे तो वोट काटेगा है। अरे क्यों सामने उसने दे दो सुशील गुप्ता ने, ये बारह काम मांगा तो मैं लग रहा देखने रोज। तो 10 साल हो गए अपना हरियाणा में बीजेपी का राज है, तो राज के हिसाब से आप कैसा काम देख रहे हैं? राज के हिसाब से ठीक है, लग रहा साफ सफाई बहुत बढ़िया होने लग रही, सारे कथन का कूड़ा रंगा सारा ठा रखा, जमी कुछ नहीं छोड़ रखा। अच्छा, सारा को मेरे पहला सूर थे, सूर तो साफ कर दिया करते। अच्छा, वो भी नहीं साफ हो रहा है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, मतलब क्या? हाँ सर, मैं आओ मैं दिखाऊ, मैं वीडियो कॉल कर भेज दूंगा, मेरा नंबर। हाँ पूरा विकास है, विकास की लहर उठ रही है, उसके हिसाब से फिर जिंदल जी अपने काम बताऊ आपने, पहला रेलवे गेट ले ले, फिर आगे तनाने गेट ले ले, छोटा पार उरला, फिर प्रलप कुने पे ले ले, फिर ओम प्रभा धन के आगे ले ले, इतना पेंडिंग वो पड़ा, डंपिंग बना रखा जितना कभी अड़ंगा होया को नहीं, डंपिंग वार्ड है जमा। इस तरह का विकास के बीच में एक बात भी होनी चाहिए, बीजेपी तो अपना बीजेपी तो जिंदल उठ रहा, गठबंधन तो गुप्ता उठ रहा, इनाले तो अभी उठ रहा, तो कौन सा है आप? जिनने तो डरता उठा। अच्छा जी, ईडी का डरता उठा, तो नहीं हो क्या उठे था, और 2000 करोड़ रुपया करके उठे तो वहां बच देंगे, अब तो ईडी का बच देगा, और इन्हें ईडी में नहीं मारा ठाक है, ईडी सीबीआई अरे आई एन ए कंपनी है इनकी। और सर मजबूत ले रहे हो बीजेपी ना गठबंधन है? ये जी नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के दोनों की टक्कर है जिनकी जी। अच्छा टक्कर है, हाँ जी। फिर आपका हिसाब था कौन सा थोड़ी बहुत बाजी मैच के ऊपर? बीजेपी आ रही है, वोट देते बीजेपी ने, लहर के बीच में खड़े होकर बात, लहर के बीच में लाइफ की बात होगी। अच्छा, फांसी लाओगी बीजेपी? अच्छा जी, मतलब की अब की बार गुप्ता ने ले आओगे? गुप्ता ने ले आओगे। अच्छा जी, गुप्ता ने इसलिए ले आओगे भाई, हम 1600 बंदे काम करे करते मार्केट के मैटी में, हम मारे को 1600 को बेरोजगार कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। अच्छा जी, ढाई महीने नहीं नौकरी देगा, कौशल रोजगार के थ्रू ठगी का जाड़ आयु। अच्छा जी, बीजेपी ने कोई वोट नहीं है, मतलब की बार केजरीवाल ना बीजेपी ने वोट ना बीजेपी ने सपोर्ट है। अश्वनी जी बात करा तो लोकसभा चुनाव है, तीन पार्टी मैदान में है, बीजेपी कांग्रेस आम पार्टी गठबंधन साथ में कांग्रेस का है, और इन लो कौन सा ने देख रहे हो इसका? मैं तो कैथल का रहने वाला हूँ, हमारी लोकसभा तो कुशेत्र ही आ गए, तो बीजेपी तो हमारा मन खट्टा। अच्छा, क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन हो गया। रीजन बताओ, हम सुनना था रीजन है। उसका रीजन यही सुनना चाहे, कल तक तो इस नवीन जिंदल को बीजेपी वाले का चोर है, खुद नरेंद्र मोदी का ही करे। अच्छा, ये चोर है, कोयला घोटाले में महा इसने अरबों रुपए का घोटाला कर रखे। और बहन और भाइयों देखते रहना, मैं इसको जेल कराऊंगा। आज उसी नवीन जिंदल ने बीजेपी का पटका बांध लिया और बीजेपी का परना बांध दिया, वो कौन सा साकर पाक हो गया हमारे, ये नहीं मतलब कि बीजेपी में अंधे तो वो साफ हो गया,
और जब वो कांग्रेस में था वो चोर था, वो डाकू था, वो इसकी फाइट तैयार थी। इसका मतलब तो वो मतलब कि जो बीजेपी में आदमी कोई भी शामिल हो गया, चाहे कांग्रेस छोड़ के हो या चाहे वही नल्लो छोड़ के हो या चाहे वो कोई भी पार्टी छोड़ के हो गया, वो बीजेपी में अंदर तो साफ पाक हो गया, दूसरी पार्टियों में वो चोर है। इस वास्ते मैं अपनी मेरी निजी राय है, मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो नवीन जिंदल को वोट या बीजेपी को वोट देता हूं, इससे अदर जहां मेरा जी करेगा मैं वोट पटक दूं। राम राम जी। अच्छा चाय बना रहे हो, चाय का स्वाद दे रहे हो लोगों ने। हाँ जी। उसके बीच में लोकसभा चुनाव का किसा देख रहे हो? बहुत बढ़िया चल रहा है कैथल में, तो सारी हवाएं बीजेपी की है, सारी हवाएं बीजेपी की है। अच्छा गुप्ता ने कड़ा ले रहे हो? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूं। वैसे बोलना आपकी बिल्कुल नहीं। अच्छा सपोर्टेड आप तो मतलब बीजेपी ने करो? हाँ जी। अच्छा नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ इनसे, नरेंद्र मोदी जी से हमारे चाय का काम है, वो भी चाय वाले थे, हम भी चाय वाले हैं, तो चाय वाला का साथ देगा? यस बिल्कुल। गुप्ता जी भी अपनी पूरी दावेदारी ठोक रही है और गंभीर आरोप भी लगने लग रहे हैं जिंदल, तो उसने किस आप देख रहे हो? आप बीजेपी पार्टी देख रहे हो, नवीन जिंदल देख रहे हो? नहीं, हम तो पार्टी को देखते हैं। मतलब पार्टी को वोट दोगे कोई भी प्रत्याशी हो? यस।